हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक बॉडी को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहते हैं अगर या तो वो रेस्ट पे हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो। या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगी। अब अगर तो आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो हम कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो हम कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी है, मान लो अगर हम उसे किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि हाँ ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी की कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें आपकी कोई एक्सेलरेशन ना हो, या तो रेस्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस बॉडी की कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर तो बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है देन द बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए, मतलब बॉडी पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। फोर्सेस तीन डायरेक्शंस में एक्ट करेंगी, एक्स वाई और जेड। तो जो नेट रिजल्टेंट है एफ नेट इन एक्स जीरो होना चाहिए, एफ नेट इन वाई जीरो होना चाहिए, एफ नेट इन जेड जीरो होना चाहिए। अब देखिए एफ नेट क्या हुआ, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, मतलब एक्स में नेट एक्सेलरेशन, वाई में नेट एक्सेलरेशन और जेड में नेट एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होनी चाहिए। अब देखिए अगर किसी बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखो, मान लो ये कोई ब्लॉक है मेरे पास, तो अब इस फ्रिक्शनलेस प्लेन है, दिस इज अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस प्लेन, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस प्लेन पर। यहां से मैंने एक फोर्स लगाई, ठीक है, एफ। अब मैं फोर्स एफ कोई भी लगाऊं, स्मूथ है तो ये चलेगा, चलेगा चलेगा धीरे धीरे किसी एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। अगर इसका मास एम है तो एक्सेलरेशन एफ बाय एम से आगे चलेगा। अब एफ की कोई भी वैल्यू हो, एम तो नॉन जीरो क्वांटिटी है ऑब्वियसली, अगर फोर्स की कोई भी वैल्यू हो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी। कुछ भी अगर एक्सेलरेशन है देन इट इज नो लॉन्गर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसीलिए को अगर बॉडी में सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है देन द बॉडी कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो बोथ फोर्सेस हैव टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। जैसे अगर एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में है प्लस एक्स डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में होने के लिए दूसरी फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में एफ ही होनी चाहिए। जैसे अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है टू आई कैप, या फिर मान लो एक फोर्स अगर ऐसे लग रही है टू के कैप, मतलब प्लस जे एक्स प्लस जेड एक्सिस में, तो दूसरी फोर्स लगनी चाहिए इसके लिए माइनस टू के कैप। बोथ फोर्सेस हैव टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर की जो दोनों का वेक्टर सम है वो जीरो आना चाहिए, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो वेक्टर है एक का साइन पॉजिटिव होगा, एक का साइन नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तीन, तो पहले तो उन्हें कोप्लेनर होना पड़ेगा, मतलब एक ही प्लेन में तीनों फोर्सेस एक्ट करेंगी। सेकेंडली उन फोर्सेस को एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 120। जैसे एक फोर्स ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 होना चाहिए, इन दोनों का 120 या इन दोनों का 120। या फिर अगर तीनों फोर्सेस को हम अरेंज करें ऐसे टिप टू टेल टाइप, तो इनके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 60 डिग्री, मतलब फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। ऐसे ऐसे ऐसे। अब अगर कोई भी तीन फोर्सेस है, मान लो दिस इज एफ ए, एफ बी एंड दिस इज एफ सी। अब एंगल्स है अल्फा, बीटा
बीटा और गामा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रही कि 120 डिग्री एंगल है, मैं जितना कह सकती हूँ 150, 150, 90 और 150, 90 का पैरेलल कितना बना, 120, 150, 90, 120 हो, मुझे जितनी फर्क पड़ता है, ठीक है। बट अल्फा बीटा गामा मैंने अभी मान लिया है टू जनरलाइज द सिचुएशन। तो एक लैमीज थ्योरम है जो क्या कहती है, एफ ए अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू एफ बी अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू एफ सी अपॉन साइन गामा। ऐसे अगर मैं किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड या एंगल निकाल रहा हूँ, बाकी दिया हो, तो हम ये लैमीज थ्योरम यूज कर सकते हैं, जो कहती है ये फोर्स इसके अपोजिट कौन सा एंगल अल्फा, एफ बी अपोजिट कौन सा एंगल बीटा, एफ सी अपोजिट कौन सा एंगल गामा। तो अपोजिट एंगल के साइन के इक्वल है, या फिर एक सिमिलर साइन रूल होता है, अगर आपने इसके बारे में सुना हो, जिसने क्या है, अगर एक फोर्स ऐसे लगेगी एफ ए, एक लगेगी ऐसे एफ बी, ये मैंने टिप टू टेल अरेंज कर दी है, एक लगेगी ऐसे एफ सी, ठीक है। ये एंगल रहेगा अल्फा बीटा, ये एंगल रहेगा गामा और ये एंगल रहेगा अल्फा मान लो। तो ये कहता है एफ ए अपॉन साइन अल्फा। वंस अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे अपोजिट एंगल की, ये तो ये इज इक्वल टू एफ बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एफ सी अपॉन साइन गामा। ये है आपका साइन रूल। और ये जो ऊपर ये जो हमने देखा था, दिस इज लैमीज थ्योरम। वेक्टर्स में अगर हम ये करेंगे ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मुझे ऑब्जेक्ट रखना है तो एंगल होना चाहिए 120 और तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए इक्वल। तो अब इसमें पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई कितने की, 50√2 की एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। उसके बाद मैं कहूँ मैंने एक सेकेंड फोर्स लगाई, ये कितनी लगाई, मान लो 30 लगा दी एट एन एंगल ऑफ 30 विद द वर्टिकल। उसके बाद मैं कहूँ मैंने एक और फोर्स लगा दी एट एन एंगल ऑफ 60 विद द वर्टिकल। मान लो मैंने फोर्स लगाई है 40 की, एक फोर्स एफ यहाँ लग रही है एट एन एंगल थीटा, जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या है, मुझसे एफ पूछा है एट थीटा पूछा है, जिसके लिए ये जो बॉडी है यहाँ वाली इक्विलिब्रियम में। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करोगे। जैसे सबसे पहले 50√2 ऐसे जा रहा है, अब मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता 45 के साथ, अगर ये 50√2 है, ये होता 50√2 साइन 45, मतलब 50√2/√2 व्हिच इज 50 एंड 50। तो एक 50 लगा ऐसे, अब इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे लग गया तो एक 50 ऐसे, एक 50 ऐसे। अब इसे देखते हैं 30, ये कितना है 30 cos 30 विच इज 30√3, बट ऊपर ना 15√3 प्लस 15√3 कर दो 15, और इस तरफ कितनी लगेगी, दिस इज गोइंग टू बी 30 sin 30, साइन 30 मतलब हाफ, तो 15 यहाँ 15। अब इस नीचे वाली को देखते हैं, तो दिस इज 40, तो ये जो मेरी लगेगी दिस इज गोइंग टू बी 40 cos 60 विच इज 20, एंड इस तरफ जो मेरा इसका कंपोनेंट लगेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जिसका कंपोनेंट लगने वाला है दैट विल बी 40 sin 60 विच इज 40√3/2 विच इज 20√3, तो प्लस 20√3। अब इसे इक्विलिब्रियम में रखा है, राइट, इसे इक्विलिब्रियम में रखा है, तो ये देखो ये जो फोर्स लगी दिस विल बी एफ कॉस थीटा, यहाँ पे एक एफ कॉस थीटा कर दो और यहाँ पे एक एफ साइन थीटा और ऐड करो, दिस इज एफ के कंपोनेंट। ओके, तो 15 प्लस 20√3 माइनस 50 इज एफ कॉस थीटा, 50 प्लस 15√3 माइनस 20 इज एफ साइन थीटा, ये कितना हमारा एफ कॉस थीटा 20√3 माइनस 35, ये कितना बना 15√3 प्लस 30। दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे, मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी
रूट थ्री बाय 13 अपॉन 20 रूट थ्री माइनस 35, तो थीटा की क्या वैल्यू बनी? थीटा इज इक्वल टू टैन माइनस वन ऑफ ये पूरा, जब इससे आप इनपुट करोगे यहां पे तो आपके पास एफ की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है ऑब्जेक्ट पे। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, जेड में नेट फोर्स जीरो, मतलब एक्स में एक्सेलरेशन जीरो, वाई में जीरो और जेड में जीरो। तो आई होप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।